हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एकता और आप हैं लाइव लाफिंग कलर्स पे। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं उन्हें आपने ससुराल गेंदा फूल, भास्कर भारती और झलक दिखला जा और कई सारे रियलिटी शोज में देखा है। तो आइए मिलते हैं हमारे आज के मेहमान से। हमारे साथ हैं रागिनी खन्ना। हेलो, हाय एंड वेलकम टू लाफिंग कलर्स। थैंक यू सो मच। हाय गाइस, गुड टू सी यू ऑल हियर। रागिनी, आपका जो जर्नी है फ्रॉम टीवी टू फिल्म कैसा रहा, उसके बारे में बताइए। मेरी जो जर्नी फ्रॉम टेलीविजन टू द फिल्म इंडस्ट्री रही है वो बहुत इंटरेस्टिंग रही है, क्योंकि मैं बड़ी हुई हूँ फिल्म फैमिली में। सो टेक्निकली टेलीविजन वॉज एन एलियन स्पेस टू मी, क्योंकि मुझे TRP समझ में नहीं आती थी। सो बट नॉनदलेस आई लर्न्ड इट ऑल अलॉन्ग। उसके दौरान फिर टेलीविजन में आई रिसीव्ड अ लॉट ऑफ लव एंड अफेक्शन फ्रॉम एवरीवन। और जब ससुराल गेंदा फूल बंद हुआ, आई रिसीव्ड अ फिल्म, पंजाबी फिल्म प्रोड्यूस बाय अक्षय कुमार जी, गिप्पी गरेवाल के ऑपोजिट, पाजी इन प्रॉब्लम। उसके बाद में एक और फिल्म मिली और फिर गुड़गांव मिल गई, और अब गुड़गांव रिलीज़ हो रही है 4 अगस्त को, देखे अपने नज़दीकी सिनेमाघरों में। सो माई जर्नी हैज़ बिन वेरी वेरी पॉजिटिव और मैं बहुत खुश हूँ, जैसे जो भी जर्नी मैंने बिताई है इन द पास्ट 7-8 years ऑफ माई करियर। हमने सुना आपने इस फिल्म की शूटिंग के लिए या इस फिल्म के लिए 1 साल तक टीवी से दूर रही, तो ये आपकी तैयारी थी या कुछ और? नहीं, एक्चुअली क्या हुआ ना, जब आप फिल्म करते हैं तब आपको, मुझे ऐसा लगता है, आई कुड बी रॉन्ग, कि आपको उसके रिलीज़ होने तक का इंतजार करना चाहिए इफ़ यू आर अ टीवी एक्टर, बिकॉज इफ़ यू आर द लीड, इफ़ यू आर प्लेइंग द प्रोटैगनिस्ट इन द फिल्म, देन आप इतना तो आपके प्रोड्यूसर्स डिजर्व करते हैं, यू नो। तो जब मेरी पंजाबी फिल्म बनी थी तब उसके रिलीज़ होने तक के इंतजार में मुझे दूसरी हिंदी फिल्म मिल गई। ओके, फिर उस फिल्म के रिलीज़ होने के इंतजार में मुझे गुड़गांव मिल गई। अब गुड़गांव रिलीज़ हो रही है एंड आई होप टू डू सम बेटर वर्क नाउ। या ओके, अपने रोल के बारे में बताइए। मेरे किरदार का नाम है प्रीत और ये लड़की है जो गुड़गांव में पली बढ़ी है, लेकिन ये जाती है पेरिस आर्किटेक्चर का कोर्स करने के लिए। वाओ। और ये वापस आती हैं वहाँ से ताकि ये अपने फादर के जो कंस्ट्रक्शन बिजनेस है उन्हें हेल्प कर पाए। ये फिल्म है, इस परिवार की कहानी है, कहरी सिंह के परिवार की कहानी है। कर्मा देवी, निकी, प्रीत, चिंटू, ये 5 किरदार हैं इस परिवार में। ये कितने डिसफंक्शनल हैं और एक कितने, there's so much treachery around them and there's so much complexities of them as a person, इनके dark areas, ये सारे imperfect characters हैं और इनकी जो journey है it leads to a very chilling chain of events, you know, and it's beautifully interwoven. So इतना external conflict है, internal conflict है, which is amazing and it's very engaging. It's an engaging watch. So इसीलिए ये फिल्म आपको कभी भी 2 मिनट के लिए भी शांति से बैठने नहीं देगी। It's gonna be like every minute you're gonna be like अभी आगे क्या होगा, अभी आगे क्या होगा। क्राइम थ्रिलर है और नोआ फिल्म है, इट्स अ डार्क फिल्म। तो मतलब आप अपनी सीट पकड़ के बैठे रहेंगे कि अब आगे क्या होने वाला है। Yes, it's a very very engaging watch. It's like आपको एक पल के लिए भी, मुझे देख के तो एटलीस्ट बिल्कुल भी ऐसे नहीं लगा, यू नो, कि इट्स लाइक, यू नो, इनफैक्ट यू फील लाइक यू फील, इट्स वेरी अनसेटलिंग। आपको लगता है कि अरे बापरे, अब ये भी हो गया, अब ये भी हो गया, अब ये भी हो गया, तो आपको ऐसा लगता है 2 मिनट के लिए राहत मिल जाए, 2 मिनट के लिए कहीं चैन की सांस मिल जाए, बट वो नहीं होता है। बट इंडिया में फॉर्चुनेटली फॉर आर व्यूअर्स इंटरमिशन होता है। इंटरमिशन तो तब आप जब समोसा वमोसा लेने जाएंगे तब आपको तो थोड़ा सा राहत मिलेगी। सो गाइज, इंटरवल तक आप बिल्कुल कहीं मत जाइएगा। नहीं नहीं, इंटरवल के बाद ही कहीं मत जाइएगा, पूरी पिक्चर देख के। ये दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, कि आप वापस जब आए तब पूरी पिक्चर देखने के बाद फिर सोचिएगा कि क्या हुआ। कुछ मत सोचिएगा, हमने सब कर दिया, आप पर एक्सपीरियंस करो। Okay. But this film will actually raise a lot of questions in everyone's mind and in everyone's head. Yeah. Ask me something which is, जो मुझे पहले लोगों ने ज़्यादा पूछा नहीं, ना पूछा हो। Generally जब मैं live chats पे जाती हूँ तो आधा, which is so sweet, आधे time तो मुझे hi, I love you, hi, I love you, hi, I love you, वही आता रहता है। अब जो वहाँ पे जो comments पढ़ रहे हैं, I hope they are reading those comments, नहीं तो otherwise. Yeah, we all love you. Okay, I love you all too. Okay, आपकी family के बारे में कुछ बताइए। मेरी फैमिली के बारे में, मेरी मदर का नाम है कामिनी खन्ना जी, माई फादर इज नो मोर, आई लॉस्ट हिम 1.5 ईयर अगो, मिस्टर प्रवीण खन्ना। सो वो एक फिल्म प्रोड्यूसर थे, उसके पहले वो अमृतसर में रहते थे। मेरे एक बड़े भाई हैं अमित खन्ना, जो खुद एक एक्टर हैं, और ये मेरा छोटा सा परिवार है। ओके, और एक्सटेंडेड फैमिली? एक्सटेंडेड फैमिली मेरे डैड की साइड की पूरी फैमिली अमृतसर में है, पंजाब में है, दिल्ली में है,
मेरी मॉम की पूरी फैमिली मुंबई में है, मेरा परिवार बहुत बड़ा है, मेरे डैड के 3 भाई बहन थे, मेरी मॉम के 6 भाई बहन हैं, उनके कुछ 15-20 बच्चे हैं, सो मतलब द बिग फैट पंजाबी फैमिली एंड वी लव फूड एंड हमारी थोड़ा ये सही है. ऋषभ राज से हाउ टीवी सीरियल इज डिफरेंट फ्रॉम मूवीज. टेलीविजन बहुत अलग है बाबा, इट्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज क्या होता है ना, आप 30 दिन काम कर रहे होते हो, आपको रोज एक एपिसोड डिलीवर करना है. तो टेलीविजन में जब मैं काम कर रही थी तब मैं 22 घंटा काम करती थी, सोती नहीं थी, और उसके बाद में भी हमें टेलीकास्ट की टेंशन रहती है कि आज का एपिसोड जाना है, फ्रीज पॉइंट क्या है, उसके बाद फिर आपको एक अवार्ड फंक्शन में जाना है, फिर आपको जाना है जैसे मैंने झलक किया, इतने सारे रियलिटी शोज़ किए साथ में. तो मैं 9 to 9 शूट करती थी, फिर 10:30 इन द नाइट टिल मॉर्निंग 4 o'clock मैं रिहर्सल्स पे जाती थी, फिर 2 घंटा सोती थी 6 बजे तक, 4 to 6, और फिर 6 बजे उठ के मैं फिर पवई के लिए निकल जाती थी सुबह 9 बजे की शिफ्ट के लिए. तो मेरा टीवी करियर मैंने ऐसे ही पूरा एक्सपीरियंस किया, बट इट्स बीन अ ग्रेट राइड. एवरीवन्स लाइक फैमिली. अब जब भी अपनी टेलीविजन फ्रेटर्निटी के लोगों से मिलती हूँ, आई जस्ट फील लाइक आई एम बैक होम. इतनी कंफर्टेबल हूँ मैं वहाँ पर. बट बहुत मेहनत का काम है टेलीविजन, फिल्मों में भी बहुत मेहनत है. फिल्म्स आर नॉट इजी एट ऑल. अरसलान बलोच ने कहा है, व्हाट वेयर यू डूइंग बिफोर मूवीज. Arslan, before movies, I was doing television, and prior to not doing anything, I was studying. Very important point. Yes, I've done my master's in commerce. Yes, I always believed in education is top priority. मुझे तो MBA करना था, पर जब मैं when I was 19, तब मैंने serial में काम करना शुरू कर दिया, और मैं अपने set से झगड़ा करके exam देने जाती थी. तो मैं बुक्स भी खरीदने के लिए मुझे यू नो शेड्यूलर से अपने शो के शेड्यूलर से परमिशन लेनी पड़ती थी, प्लीज़ मुझे बुक्स खरीद दो. जब सेट पे टाइम मिलता था तो बैठ के मैं पढ़ाई करती थी, एंड आई स्टिल पास्ड वेरी वेल. आई बीन एन अकाउंट स्टूडेंट. तो जब मैंने TY में कुछ 300 मार्क्स अकाउंट्स के होते हैं, 100 इज़ फॉर टैक्स एंड 100 इज़ फॉर कंप्यूटर्स. सो आउट ऑफ 400 आई थिंक आई गॉट 375 आउट ऑफ 400. वाओ. सो आई वाज क्वाइट अ ब्राइट किड, यू नो, एंड देन आई बिकेम एन एक्टर. It's also not a bad job. No, that was a conscious decision. Because मुझे performing arts के अलावा और कोई चीज़ आती नहीं है. I can study, I can do everything, but performing arts is home. Okay, so here's the question. Can you tell about your crush? My crush? I have so many crushes. Crushes? You see, that's what crushes are. Crushes are silly, right? Silly, yes. So they're just like, you look and you feel crushed, and that's it. You're crushed, it's over. There's nothing more, there's nothing less to it. I'm more of a mind person. I don't look at somebody and get very for me attraction is more intelligence and it's more about intellect, it's more conversational and communicational. main 8-pack dekh ke impress nahi hoti hu. Aap mujhe intelligence dikhaoge to shayad main impress ho jaunga. Okay, and not that ke mujhe 50 inch ki waist chahiye. But you need to be like a good smart talker around me, like an intelligent mind. Okay, we are getting a lot of love from Pakistan also. Yes, thank you so much. I do get a lot of messages from Pakistan. That's true. Twitter pe, Facebook pe, I get. Thank you so much, everyone. I really appreciate it, and I love you all. I really have immense gratitude towards all of you. Ryan says you have cute smile. Oh, sweet. You are coming in movies with Govinda? Not yet. अगर कोई स्क्रिप्ट देगा जो जिसे लगेगा मैं गोविंदा जी के सामने परफॉर्म कर सकती हूँ, विच विल बी अ नर्व रैकिंग एक्सपीरियंस फॉर मी. सो आई वुड लव टू. ही इज सच अ लेजेंडरी एक्टर एंड वॉट एन आर्टिस्ट. सो येस, आई वुड लव टू वर्क विद हिम. कोई डायरेक्टर अगर स्क्रिप्ट लाएंगे जिसमें देयर इज कैपेसिटी फॉर बोथ ऑफ अस टू बी अ पार्ट ऑफ इट, व्हाई नॉट. दर्शन सेज यू लुक ब्यूटीफुल एज यूजुअल. थैंक यू दर्शन. आपको मेरे दर्शन करके अच्छा लगा, इस बात में मुझे खुशी. अशिमा सेज, रागिनी प्लीज कम टू दिल्ली वंस. आई एम कमिंग टू दिल्ली गाइस. मैं दिल्ली बहुत बार आ चुकी हूँ, बट आई डोंट नो इफ पब्लिकली आई कैन मीट यू, और आई वी आर ट्राइंग टू फैसिलिटेट समथिंग वेयर आई कैन कम एंड सी यू गाइस. आई होप इट हैपेंस सून. और मैं दिल्ली बहुत बार आती हूँ. दिल्ली इज लाइक होम. हर महीने में 2-3 बार तो आई जाती हूँ. Mayank says, I wish you will be equally successful in your Bollywood career. Thank you, Mayank. Thank you so much. Please watch Gurgaon on the 4th of August. I'm going to keep doing these plugins. 4th August is the date. So we have Rajkumar. Poochte hain, aap school ko miss karte hain? Nahin.
क्यों मिस करूं पूरे स्कूल लाइफ आई हैव बीन वांटिंग टू गेट ग्रो अप एंड वर्क एंड एवरीथिंग एंड नाउ व्हेन आई एम ऑल ग्रोन अप आई वांट टू नो आई हैव एंजॉयड सी माय फंडा ऑफ लाइफ इज मैं जिस मोमेंट में हूं मैं उसको पूरी तरह एंजॉय कर लेती हूं जब मैं स्कूल में थी मैंने उसको स्कूल को पूरी तरह एंजॉय कर लिया आई नेवर वेटेड टू यू नो आई वाज इन वेटिंग फॉर एडल्टहुड टू हैव हिट मी एंड ऑल ऑफ दैट सो आई वाज हैविंग अ ब्लास्ट नाउ व्हेन आई एम इन एडल्टहुड देयर इज ऑब्वियसली नो going back so I might as well enjoy this moment because फिर मैं जब 40 की हो जाऊंगी फिर मुझे लगेगा हाय मैं 20s में कब थी and what not yeah so I might as well be happy now okay do you manage to have fun with your co-actors while shooting no you know contrary to the belief people think I'm a very fun person which I am I'm a blast when I'm around with friends and everything but जब मैं काम कर रही होती हूँ I'm the most silent person why आप विश्वास नहीं करेंगे मैंने और अक्षय ने फिल्म के पूरे शूटिंग के दौरान बात तक नहीं की पर क्यों because the characters needed that वो सारा टाइम कैरेक्टर थे पंकज जी कैरेक्टर थे आई वॉज इन माई कैरेक्टर माई कैरेक्टर वॉज इज वेरी नॉन कम्युनिकेटिव शी इज मोर यू नो शील ओनली स्पीक वेन इट्स लाइक रियली रिक्वायर्ड प्रॉब्ली लाइक फोर लाइन्स इन द होल डे सो फॉर मे आई वॉज ऑलवेज इन कैरेक्टर एंड आई थिंक दैट्स एग्जैक्टली हाउ इट शुड बी ऑन अ सेट सो योर एनवायरमेंट इज सो गुड एंड हमारा जो सेट है भले ही बहुत वायलेंस से भरी हुई फिल्म है हमारा जो सेट था ना वो इतना मेडिटेटिव और इतना शांत था आई मीन इट वॉज द मोस्ट पीसफुल सेट आई हैव एवर वर्कड ऑन And probably that's the reason we could do such sensitive work because everybody was in their most grey areas. You know, we were like really digging deep. So we had to have that kind of an environment around. So I never have fun. In fact, I'm the most boring person to work with. But it's only the joy of creativity that's fun for me on set. No future plans of singing? Of course, I would love to. Singing is something which connects me to my spirituality and it's the purest form of my life, my singing and my music. Why not? Then sing something for us. Okay. बाहों में चले आओ, बाहों में चले आओ हो हमसे सनम क्या पर्दा हो हमसे सनम क्या पर्दा है आज का नहीं मिलन है संग ये उम्र भर का Wow. Okay, this is the right time to plug in. Watch Gurgaon on the 4th of August. Because Gurgaon after listening, everyone, whenever I sing, and then the reactions are like, wow, and everything, and all, I get great reactions. So, what time pe bolna bahut zaruri hai. Bahut zaruri. Because sabse zyada attention hai uswa. Okay, were you prankster in your school and college days? No. Ashima asks. No, Ashima, I was the biggest geek. I am a total introvert geek. You won't believe it, but this is the truth. My profession has made me very comfortable with people and made me very talkative as a person. But when I'm at home, I'm the most silent person you'll ever meet. और मैं अपने books में, अपने life में, अपने world में बहुत ज़्यादा consumed रहती थी. हाँ, but जब मैं college में गई, फिर मैं उसकी एकदम extremely opposite हो गई. मेरे college में कुछ ऐसे मतलब somebody like me who had like 100% attendance in school, college में मेरी 3% attendance भी नहीं थी. So I've seen those extremes. So from being a geek to being a completely extrovert person, you know, who was only partying and having a blast. I think वो मैंने हर चीज़ extreme में की है. फिर मैंने television भी किया था, एकदम extreme में काम किया. फिर television से break लिया तो कुछ ज़्यादा ही extreme break. अभी film भी करूँगी तो शायद I'll just extremely get into the movies. So I am that person. Even emotionally, I'm you know my emotional frequency is in extremes. So I am this person. And but no, I'm not a prankster. I don't believe in playing pranks with people because I think मेरे पर कोई prank play करता मुझे अच्छा नहीं लगता तो मुझे दूसरों के लिए भी वो करना पसंद नहीं है yes I like humor but not personal humor I like subjective humor I like situational humor मुझे लोगों का मजाक उड़ाना बिल्कुल पसंद नहीं है Angela Gill said what is your fitness mantra Angela my fitness mantra is basically just keep yourself clean of all the packaged food all the toxic substances which we have easily available in the market main cigarette nahi peeti hu I'm a teetotaler I don't put anything except for food which is home cooked meals in my body and I think that's the best fitness mantra it's just keep yourself
keep your body clean, your mind, everything is gonna just be so sound, and you're gonna be so good with it. Trust me. Have lots of water, lots of fiber. Internal health will definitely reflect externally. Social media आजकल सबसे बड़ा platform हो गया है. आपके क्या मानना है इस बारे में? Is the truth. आप सोशल मीडिया को एस्केप नहीं कर सकते हैं. इनफैक्ट जब मैं टेलीविजन कर रही थी तब मैं सोशल मीडिया पे नहीं थी, और मुझे लगता था मैं रोज़ टीवी पे आ रही हूँ, मैं सोशल मीडिया पे भी कैसे आऊँ. बट उस वक्त की वो ज़रूरत नहीं थी. अब फिर जब टेलीविजन करियर ख़त्म हुआ, मैंने रियलाइज़ किया कि सोशल मीडिया कितना ज़रूरी है. हम सबके हाथ में फ़ोन्स पहले हैं, और मैं अपने घर पे अगर कभी सोशल मीडिया पे जवाब देने, जैसे अभी हमारा ट्रेलर लॉन्च हुआ जी 2 दिन पहले, तो 5 बजे तक तो हम इंटरव्यूज़ कर रहे थे. आधे घंटे का मैंने ब्रेक लिया और मैंने 5:30 बजे सबको रिप्लाई करना शुरू किया सोशल मीडिया के ऊपर. पर्सनल मैसेजेस मैंने खोले भी नहीं, वो तो अगले दिन के लिए. सोशल मीडिया पे 5:30 से लेकर मैं 2:45 बजे तक सोशल मीडिया पे रिप्लाई कर रही थी. जब हमारा पहला पोस्टर लॉन्च हुआ था तब मैंने 3 दिन तक सिर्फ अपने फ़ोन पे बैठ के लोगों को रिप्लाई किया था, सोशल मीडिया और पर्सनल मैसेजेस पे. जब मैंने 3 दिन बाद अपनी ऐसे गर्दन उठाई ना, आई वॉज नॉशियाटिक विद द फोन. मुझे लगा अब ट्रस्ट मी, आफ्टर आई एम डन विद द फिल्म रिलीज एंड आफ्टर आई एम डन विद द प्रमोशन, आई एम गोना गो ऑन अ डिजिटल डिटॉक्स. आई जेन्युइनली नीड इट. इट्स अ रॉन्ग प्लेटफॉर्म टू टॉक ऑन राइट नाउ, बट इट्स सो यूजफुल. इट्स द बिगेस्ट टूल यू हैव. यस, इट्स द बिगेस्ट मीडियम. अमित जी ने आपके लिए ट्वीट किया, वो कैसा एक्सपीरियंस था? इट वॉज आउटस्टैंडिंग. वही जब 5:30 हम बैठे और फिर ट्वीट पे ट्वीट आ रहा चालू है, एक ट्वीट, दो ट्वीट, ट्वीट. तो 9:30-10 बजे अमित जी का ट्वीट मैंने पढ़ा, बच्चन साहब का. आई कुड नॉट बिलीव इट. एंड देन फिर मैंने 3-4 बार लिंक भी चेक किया कि हमारा ही पिक्चर का लिंक है, डबल टेक हुए, ट्रिपल टेक्स हुए. एंड देन आई वॉज वेरी हैप्पी. फिर इरफान सर ने ट्वीट किया, रणवीर सिंह ने ट्वीट किया, आलिया ने ट्वीट किया, और आयुष्मान ने ट्वीट किया, बहुत लोगों ने ट्वीट किया. और फिर बाद में यू नो, फिर मैंने अपना फिल्म का जब ट्रेलर बैठ के देखा, मैं ऐसे, माई हैप्पीनेस वॉज नॉट लाइक इन लाफ्टर और एनी थिंग, इट केम आउट, इट वॉज एक्सप्रेस थ्रू टीयर्स. सो आई वॉज सिटिंग अलोन एट 12:30 in the night and I was watching the trailer of my film and I just started crying out of the blue. And I was like, why am I, in my own head I'm thinking, why am I crying? But it was out of joy and sheer happiness. So yes, I was ecstatic, probably overjoyed, overwhelmed. Okay, so best of luck for your film and thank you very very much for coming here. Yes. And it was very nice to talk to you. Thank you so much, Ekta ji. And thank you to the entire team at Laughing Colors. You guys have been an absolute privilege to be around. And dekhein Gurgaon 4 August ko. Don't forget. Thank you, team Laughing Colors. Thank you, Ekta ji. Thank you. Thank you, everyone over here. Thank you so much for being around. Lots of love.